तो आपको हेल्प करने वाले हैं? कोई नहीं है और अंकल? अंकल चल बस ना। जो भी चीज आपको यहाँ दिख रहा है ना, पर पीस 5 रुपीस में आपको मिलेगा। तो ये रही वो चीजें जो आंटी यहाँ पे बेचती है। लिट्टी चोखा तो भाई मेरा फेवरेट है। तो फाइनली मेरे पास आ गया ये सत्तू लिट्टी और ये दाल पुड़ी, जो कि मेरा फेवरेट है। सत्तू लिट्टी ये वाला आजकल ना ये ऐसे टाइप ना बहुत कम मिलते हैं, तो मैं ये बहुत खोज रही थी। हाँ, तो फाइनली मुझे आंटी के पास में मिल गया। चलो खा के देखते हैं कि कैसा लग रहा है। ऑब्वियसली टेस्टी होगा दोस्तों। ये टेस्टी टेस्टी लिट्टी चोखा के पीछे की जो कहानी है ना, वो सुनने के बाद आपकी आंखें नम हो जाएंगी। ये है हमारे शहर की मिथिला देवी। जिनकी जिंदगी अपने पति और 3 बेटियों के साथ ठीक ठाक गुजर रही थी, पर किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। हम तो यही करते हैं, इसमें तो कुछ होता नहीं है, लेकिन खटते हैं, करते हैं, घर में बैठकर रोना आता है, तो हम यही में लगे रहते हैं। तो आपको हेल्प करने वाले कोई नहीं है? और अंकल? अंकल चल बस ना। अचानक अपने पति को खोने के बाद मिथिला देवी मानो टूट सी गई थी, क्योंकि उनको अभी एक अकेले कंधे पे 3 बेटियों को संभालना था। पर वो कहते हैं ना कि हिंदुस्तानी नारी कभी हार नहीं मानती। परिवार के ऐसे सिचुएशन में भी उन्होंने हार नहीं मानी और ये छोटा सा स्टॉल खोल के अपना और अपने बच्चियों का ख्याल रखने लगी। कितना अच्छा टेस्टी टेस्टी सारा चीज बना रही हो। देखो हम कहाँ से आए आपके पास में लिट्टी खाने के लिए? कहाँ से आ रहे हैं आपके पास? सब कोई आपके साथ है, कोई टेंशन नहीं है। देखिए कहीं रोना बंद करिए। जो भी हम लोग का ये वीडियो देख रहे हैं कि उनसे मेरा ये हम्बल रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट, मैं दिल से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि टोरकला में किसी भी कोने में अगर रहते हो तो प्लीज़ 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 सेक्टर 18 आइए और आंटी के पास से उनका स्पेशल लिट्टी चोखा समोसा वड़ा आपको जो पसंद है एक बार आप उसके ट्राई करिए और आंटी को हेल्प कीजिए। और उनका ब्रेकफास्ट भी बहुत टेस्ट है, बहुत ही टेस्टी है। तो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज आओ। आके देखो एरा कौन आओ आनी थिली बनाई के बिक्री हैला गोटे डबा आनी थिली तो दुटा बची थिला मैं देख। इसको बोलते क्या है? पिठा। पिठा खस्ता? खस्ता खस्ता ठेकुआ बोलते हैं क्या? ठेकुआ। हमारी हमेशा से यही कोशिश रहती आ रही है कि जो लोग भी इतने मुश्किलों के बावजूद किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते बल्कि अपने दम पे खड़े होते हैं, हमें उनका साथ देना ही है। आप कितनी, आपको पता है आप कितनी स्ट्रांग हो? पता नहीं, मैं तो घर से जा रहा बेटी। आप कितनी स्ट्रांग लेडी हो, आप उसमें रो रही हो, आपके पास कितना हिम्मत है पता है? हम लोग के पास में नहीं है, हम लोग तो टूट जाते हैं, टूटते जा रहे धीरे धीरे। कोई बात नहीं, हम लोग है अभी, अभी, नहीं। अभी जो हुआ हुआ, अभी हम लोग है ना आपके साथ, पूरा शहर अभी आपके साथ देगा, आप देखते रहो बस। टूटोगे क्यों? टूटते जा रहे। देखिए सब बोल रहे हैं, सब आपके साथ है, अभी कल से पूरा रौरकेला आपके साथ होगा, आपको ऐसे टेंशन नहीं लेना है। तो आंटी यहाँ पे 7:30 बजे से लेकर 1 बजे तक रहती है। तो मैं वापस आपको एड्रेस बोल देता हूँ गाइस, सेक्टर 18 गोल चौक, इस पेड़ के नीचे आपको आंटी मिल जाएगी। ये उनका छोटा सा स्टॉल है। प्लीज गाइस ये रिक्वेस्ट रहेगा आप लोगों से, एक बार आंटी के पास आके कुछ ना कुछ खा के जाइए, उनको बहुत हेल्प हो जाएगी। कितना प्रॉब्लम है आंटी, एक्चुअली मुझे हमें देख के खुद रोना आ रहा है। और गाइस मैं नहीं बोलूंगा, आपको दिल से इच्छा होगी कुछ ना कुछ इनको हेल्प करने की,
किसी भी प्रकार का हेल्प हो, आएंगे और यहाँ पे उनका बिजनेस अगर बढ़ा रहे हो आप, तो वो तो बहुत बड़ी हेल्प होगी सच में, क्योंकि उनको अब जताना है कि हम लोग उनके साथ हैं। और हमारे रौरकला के लोग तो मुझे पता है इन सब चीज़ों में सबसे आगे आते हैं। तो गाइज एक बार फिर से आप सबकी हेल्प की ज़रूरत है, तो इनके साथ इनके पास खड़े रहेंगे तो इनको बहुत हिम्मत मिल जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सब मेरा साथ देंगे इस चीज़ में। बेटी लोग का भी शादी हो जाएगा और कल सुबह आप एक बहुत बड़ी बिजनेस वुमेन बन जाओगी। चलो बाय।